This is your balcony view. Yes, this is Karachi. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सरदार उसामा, सेल मैनेजर अबू द स्टेट DHA कराची। आज की वीडियो में आपको एयरवे लगुना के हवाले से अपडेट करूंगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज 24 मार्च 2021 है। एयरवे लगुना की काफ़ी क्यूरीज आ रही थी मेरे पास, बैलेटिंग कब होगी, कंफर्मेशन लेटर कब आएंगे, अजीब व गरीब सवालात के काम होगा नहीं होगा, तो इन सारी चीज़ों पे बात होगी। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद भी आपको एयरवे लगुना के हवाले से अपडेट मिलती रहे। तो हाँ, अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, एयरवे लगुना। एयरवे लगुना के लिए पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये इस वक्त DHA सिटी कराची के समझें बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे आ रहा है। DHA सिटी कराची जो मेन सुपर हाईवे पे लोकेट करती है, उसके मेन प्राइम लोकेशन जो सेक्टर 1 कहलाता है, डायरेक्टली इंटरचेंज से एक्सिस है, उस जगह पे आ रहा है। 4-5 महीने पहले इसके फॉर्म वगैरह आए, रोटेट हुए, मार्केट में सेल आउट हुए, उसके बाद क्लोज हुए, और अब बैलेटिंग के लिए लोग वेट कर रहे हैं, और जिन्होंने कंफर्म बुकिंग ली हुई थी वो कंफर्मेशन लेटर के लिए वेट कर रहे हैं। तो पहले तो आप लोगों को बताता चलूं कि जो प्रोजेक्ट भी DHA के अंदर आता है, वो DHA उसकी पूरी जवाबदेही रखता है, और DHA और एयरवे लगुना का ही जॉइंट वेंचर है। तो इसको आप किसी चलते फिरते प्रोजेक्ट से कंपेयर ना करें, क्योंकि आप एयरवे लगुना में इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे, आप DHA के अंदर करने जा रहे हैं। तो ये इस चीज़ का आप एक बार अपने माइंड को क्लियर कर दें कि भाई DHA में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और DHA में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आपकी 200% इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। पहले भी मैं 10 बार बता चुका हूँ कि इसमें एस्क्रो अकाउंट दे दिया एयरवे लगुना ने, और दीगर बहुत सी ऐसी टर्म एंड कंडीशन रखी हैं जिससे एंड यूज़र 100% सिक्योर होता है। फिर भी ऐसे क्वेश्चन सुनने में आते हैं कि काम होगा नहीं होगा, तो पता नहीं इतनी बेचैनी किसके लिए। बाकी जहाँ तक बैलेटिंग का सवाल है, बैलेटिंग का आप लोगों को आइडिया है, जैसे आप लोग DHA में भी, DHA मुल्तान, भावलपुर, DHA सिटी कराची, DHA पेशावर, जब जब इनके फॉर्म आए तकरीबन 5-5, 6-6 महीने का टाइम लिया इन्होंने बैलेटिंग के लिए, क्योंकि पूरा प्रोसीजर होता है, हर चीज़ को ये लोग स्टेप बाय स्टेप देख रहे होते हैं। इसी तरह एयरवे लगुना की भी बैलेटिंग जो मुतवक्का डेट है, अभी इसमें कोई अथेंटिसिटी नहीं है, पर हमें ऐसा लग रहा है जो हमें चीज़ें सुनने में मिली हैं कि रमज़ान से पहले बैलेटिंग हो जाएगी। और जहाँ तक जिन लोगों ने कंफर्म बुकिंग हमसे परचेज़ की हुई थी, उनमें से कंफर्म बुकिंग के भी लेटर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने एयरवे लगुना की एक कंफर्म बुकिंग की है फाइल, ये इन साहब ने लिया था, और इनको जो है ये मिलना स्टार्ट हो चुका है एयरवे की तरफ से ना। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। ये मेरे पास और भी मज़ीद फाइलें पड़ी हैं, तो ये कंफर्म जिन्होंने भी मुझसे परचेज़ किया वो कॉन्टैक्ट करके मुझसे रिसीव कर लें, जिन जिनके आ गए, जिनके नहीं आए वो उसके बाद भी हमारे पास आएंगे, उसमें पता चलेगा उनका। तो ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। जहाँ तक वीडियो बनाने का सवाल है, मेरे पास कुछ टाइम नहीं था इसलिए थोड़ी सी वीडियो मेरी लेट हो गई, तो आज मैंने बिलखसूस टाइम निकाल के मैंने कहा इन लोगों को अपडेट किया जाए, लोगों को जिन्होंने भी एयरवे लगुना में बुकिंग की हुई है, 1 बेड 2 बेड 3 बेड 4 बेड और पेंट हाउस में, यानी मुझसे जिन लोगों ने बुकिंग की है तकरीबन 70% लोगों के मेरे पास कन्फर्मेशन लेटर आ चुके हैं। कुछ तो मैंने डिलीवर भी करा दिए हैं, और कुछ लोग मेरे ऑफिस से बाय हैंड पिक करेंगे। बैलेटिंग के हवाले से फिर आपको बताता चलूँ कि मुतवक्का डेट जो है रमज़ान से पहले है बैलेटिंग की, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिनके भी कंफर्मेशन लेटर आए अब इनको डाउन पेमेंट की तरफ जाना होगा, तो डाउन पेमेंट के लिए उन्होंने हमें कहा है कि तकरीबन 5-6 अप्रैल के बाद कॉन्टैक्ट करें। मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ तक मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, एयरवे लगुना की बात नहीं कर रहा, कि ज़ाहिर बात है जब दूसरों की बैलेटिंग होगी उनकी और इनकी डाउन पेमेंट साथ आएगी, और डाउन पेमेंट देने में तकरीबन 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने का मार्जिन होता है, आप लोगों को पता है। इसके अलावा ये मज़ीद एयरवे लगुना के हवाले से आप लोगों को कोई भी अपडेट लेनी हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, बैलेटिंग का मैंने आपको बता दिया, कंफर्मेशन लेटर आना स्टार्ट हो गए हैं, जिस जिस बंदे ने जिस जिस डीलर से कंफर्म बुकिंग ली है वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अब ना, और क्योंकि पूरी तो नहीं मगर आधे आधे आना स्टार्ट हो गए होंगे उनके पास।
नहीं तो वो जिनके नहीं भी आए तो वो उनको नेक्स्ट उस पर फेज़ में, यानी फेज़ से मुराद ये है कि नेक्स्ट आज जैसे 2-4 दिन बाद आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डेली की रूटीन में कन्फर्मेशन लेटर आ रहे हैं 10, 15, 20 जितने क्योंकि काफ़ी बड़ी अमाउंट तादाद थी ये कन्फर्मेशन लेटर की, तो वो उनको मिलना स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, कन्फर्मेशन लेटर के ऊपर एक चीज़ आपको बताता चलूँ मैं, इसमें इन्होंने एयरवाय लगुना के अंदर आपको कंफर्म किया है कि वी विल गिव यू 1 कंफर्म यूनिट इन एयरवाय लगुना DHSCT कराची प्रोजेक्ट। अब इसमें ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे यकीनन कि इसमें 2 बेड नहीं लिखा, 4 बेड नहीं लिखा, 1 बेड नहीं लिखा, वो जाहिर बात है जब बैलेटिंग हो जाएगी उसके बाद आपसे डाउन पेमेंट ली जाएगी। आप 1 बेड बोलेंगे तो 1 बेड की, 2 बेड बोलेंगे 2 बेड की, 3 बेड बोलेंगे 3 बेड की, जो उस वक्त उनकी फिजिबिलिटी बनती हो। पर इंशाल्लाह जिस जिसको ये लेटर इशू हो चुका है उसको यूनिट कंफर्म मिलेगा, ठीक है। मज़ीद कोई भी एयरवे लगुना के हवाले से अपडेट चाहिए हो, कोई भी आपको इंक्वायरी हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन पे चल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए, मज़ीद अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो अब तक बरवक्त पहुँचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।